इसका शेप आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप है। मार्केट में जैसी इमरती मिलती है वैसे ही हमने इसमें कलियां बनाई है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है। चाशनी भी इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब की है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मानस किचन। आपका अपने चैनल मानस किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी इमरती लाए हैं, बिल्कुल हलवाई वाली स्टाइल में बनाने वाले हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे हलवाई वाले राज खोले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी बनाने में कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए इमरती बनाते हैं। इमरती बनाने के लिए हमने यहाँ पे उड़द की दाल ली है और ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, जिसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था और अब ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो इसका पानी निथार के हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी में पीसते वक्त अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी हम मिलाएंगे। बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है इसका। एक कटोरी के करीब हमने दाल ली थी और सारी दाल को हमने पीस लिया है और इस तरह से हमने महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ढक कर रखेंगे। जब तक इमरती का बैटर ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने तपेली में 1/2 किलो शक्कर लिए, इसमें हम पानी मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी मिलाया है। अब इस शक्कर को हम हिला के घोलेंगे। इसे लो फ्लेम पर शक्कर घुलने तक हम हिलाएंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हम इसे उबालेंगे। चाशनी को हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबाला है। इमरती के लिए हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, चाशनी थोड़ी हल्की सी गाढ़ी और चिपचिपी होना चाहिए। करीब 5 मिनट हो गए और चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने कटोरी में थोड़ी सी चाशनी ली है। अब इसे दोनों उंगलियों के बीच में लेके हम देखेंगे और ये थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है इसमें। तो हमारी चाशनी परफेक्ट बन चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इमरती कलरफुल होती है तो इसके लिए हम इसमें कलर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने खाने का कलर लिया है, उसे थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे। कलर मिला दिया है, अब इसे हम अलग रख देंगे। फ्रिज में से हमने बैटर निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे जिससे कि फ्लफी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम कलर ऐड करेंगे। इसे 15 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि फ्लफी हो जाएगा। हमें इस तरह से इसका बैटर करना है कि जब हम तेल में इसे डालेंगे तो हमारी इमरती तैरना चाहिए। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, अगर हम उल्टी डायरेक्शन में फेंटेंगे तो फिर इसकी हवा निकल जाएगी। 15 मिनट फेंटने के बाद में आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और महीन हो गया है, ये बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जैसा हो गया है। और हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। इमरती का बैटर बिल्कुल डबल हो गया है, फूल के और फ्लफी हो गया है। और हमारी इमरती तलने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इमरती बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस पाइपिंग बेम में इमरती का बैटर भरेंगे। इसका होल भी आप देख सकते हो। तो आइए इसको फिल करते हैं। हम यहाँ पे हमने एक गिलास लिया है और उसके अंदर से रख देंगे और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर गैप बना के हम इसमें बैटर डालेंगे। जितना बैटर इसमें आ सकता है उतना डालेंगे। उसके बाद में इसके सभी तरफ से इसे वापस ऊपर निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इसे फिल कर लिया। अब हम तेल गरम कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेट पर इमरती बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आप ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। पहले हम 2 सर्कल बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से हमें गोल गोल घुमाते हुए चेन की डिज़ाइन बनाना है। है ना परफेक्ट इमरती वाली शेप। लेकिन प्लेट पर बनाना बहुत ही आसान है और तेल में इमरती घूमती है, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो प्रैक्टिस तो हमने बहुत कर ली है, अब हम चलते हैं मैदान की तरफ, मेरा मतलब कढ़ाई की तरफ। तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल बना लिए और इस पे इस तरह से हमें चेन की डिज़ाइन बनाना है और ये बन गई हमारी परफेक्ट इमरती।
फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से दो सर्कल बना लिए और इसके ऊपर हम चेन की डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो आ गए ना आपको समझ में, क्या कहा नहीं आया? तो ठीक है, मैं आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ। इस तरह से हमें सर्कल बनाना है और इस पर गोल गोल घुमाते हुए डिज़ाइन बनाना है। जब हम इमरती को तेल में तलेंगे तो वो इधर उधर भागेगी, लेकिन आपको उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे ही उसको जंजीर पहनाएंगे वो रुक जाएगी, और यही है सबसे बड़ी ट्रिक। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हमें इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से तलना है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक तलेंगे। इसे 2 से 3 बार हमें पलटना है। करीब 3-4 मिनट में अच्छे से तल के कड़क हो जाएगी। उसके बाद हम गर्मा गर्म इसे चाशनी के अंदर डुबाएंगे। इसे आप चिमटे से दबा के देखेंगे तो ये दबेगी नहीं और अच्छे से कड़क हो जाएगी। इसका मतलब ये अच्छे से तल चुकी है। अब हम इसे गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। तो हमने निकाल लिए, इसे चाशनी में डुबा के सीधे दबा देंगे। अगर हमने दबाने में देर करी तो ये चाशनी अच्छे से नहीं पिएगी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म ही डालना है, तो हीट ट्रांसफर मेथड से ये जल्दी से चाशनी को पी लेगी। एक कटोरी उड़द की दाल में 50 के करीब इमरती बनती है, जिसमें से आधी इमरती तो हमने यूज़ कर ली है और आधी इमरती हमने आगे के लिए रख ली है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत रहे तो हम इसे तेल में हल्के से तल के कुनकुनी चाशनी में डुबा के खा सकते हैं। हमारी इमरती तैयार है। कहते हैं ना कि जब कोई काम दिल से किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, और आज हमने इमरती बहुत ही दिल से बनाई है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आए हैं। ये इमरती हमने सेकंड टाइम ट्राई की है, और इसके पहले हमने एक बार ट्राई किया था लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। हमने हार नहीं मानी और प्रैक्टिस की, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इमरती बनी है। तो आप भी रेसिपी को फॉलो करके इमरती बना सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली रेसिपी की अपडेट मिलती रहे। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका ये प्यार और सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं आपसे किसी अच्छी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।